फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने आसपास इतना सुंदर, देखिए ये इतना बड़ा साइज़ का अगर आपको मनी प्लांट दिखे तो आप खुश होंगे कि नहीं, बताइए। हाँ, ज़रूर होंगे। ये मेरे पोर्च गार्डन में लगा हुआ मनी प्लांट का पौधा है और इसके लीव्स देखिए कितने बिग बिग साइज़ के है ना। और काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी कब मेरे मनी प्लांट के लीव्स इतने बिग बिग साइज़ के हो। ये मेरा एक तरह से ड्रीम ही था। तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे लीव्स बड़ी होती है और कटिंग्स कैसे हम लोग लगाते हैं, इसकी प्रोपगेशन कैसे करते हैं। तो चलिए, मेरे पोर्च गार्डन में देखिए कितना फैला हुआ है, एकदम ग्राउंड कवर के जैसा फैल चुका है ये मनी प्लांट। तो चलिए अब हम लोग इसकी कटिंग लेते हैं, इसकी प्रोपगेशन कैसे करते हैं, साथ ही एक सिंपल से DIY भी शेयर करूंगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और इस तरह से कटिंग मैं ले रही हूँ, नोड एरिया को ध्यान में रखते हुए हम लोग कटिंग लेते हैं। वैसे इसकी तो हर लीफ नोड पर रूट बनी होती है, तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान होता है दोस्तों। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसको ग्रो करना। बस इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद दें और ज़्यादा कुछ का ज़रूरत नहीं है। गोबर खाद अवेलेबल हो पुरानी वो दे दें या वर्मी कंपोस्ट दे दें। साल में एक बार दो बार आप फरवरी अक्टूबर में खाद देंगे तो काफ़ी आसानी से ये इस तरह हरा भरा रहेगा। और मेरा तो ये ग्राउंड में है तो देखिए और भी हेल्दी है इसके लिए। तो दोस्तों, मैं इन कटिंग्स को अपने गार्डन से ले आई हूँ और ये नॉर्मल वाली मनी प्लांट है, नॉर्मल वाली पोथोस की वैरायटी है जो हर घरों में आम होती है। और इसी के लीव्स मैं शुरू में दिखाई थी, इसी के लीव्स उतने बड़े बड़े साइज़ के हुए हैं। तो वो क्यों होता है वो भी बताऊंगी इस वीडियो में, सब कुछ इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और ये वाला तो मेरे पास देखिए एंजॉय पोथोस है, इसको एंजॉय पोथोस बोलते हैं। इस वाले मनी प्लांट में वाइट कलर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। और इसी प्लांट में मैं आपको दिखाती हूँ जो साइड जिसमें धूप नहीं पड़ा तो उसकी देखिए ये इस तरह से वो पूरा ग्रीन हो गया है। ये देखिए पूरा ग्रीन हो गया है, तो धूप नहीं पड़ने से इसे सुबह सुबह की एक से डेढ़ दो घंटे की धूप इसे मिलती है, तो जहाँ पर धूप नहीं मिला वहाँ पर ऐसा कलर हो गया। तो हम लोग मनी प्लांट के पौधे को एक सिंगल लीफ से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, वो सब कुछ बताऊँगी। और ख़राब हो रहा है आपका मनी प्लांट तो उसकी जो ख़राब हो रहा है तो उसका ऊपर का टिप्स आप लेकर उसको बचा सकते हैं। तो पानी में किस तरह प्रोपागेट करेंगे, सॉइल में किस तरह प्रोपागेट करेंगे, सब कुछ बताऊंगी। तरह के जो हमारे पास कंटेनर बच जाते हैं तो इसका भी हम लोग DIY करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों। इस तरह का ये घर में पड़ा रहता है कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स, तो उसको कलर करना है। कोई भी आप घर में जो बचा हुआ कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, कुछ भी बचा हो तो उसी से, ये मेरे बच्चों की पेंट बची हुई है सूख सी रही थी तो उसी को मैंने इस बॉटल में पेंट करना शुरू किया। बच्चों की ही ये ब्रश है जो पेंटिंग सीखते थे, आर्ट क्लास करते थे, तो उसी पुराने ब्रश को मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह बॉटल को फिंगर में अटका लीजिएगा जिससे पेंट करने में आप सभी को बहुत ही सुविधा होगा, हाथ में बहुत कम कलर लगेगा, वैसे ही कलर छूट भी जाता है, एक्रेलिक कलर है फैब्रिक्रिल का। तो इस तरह से कलर कर लिया है मैंने, अब उसको सूखने के लिए छोड़ दी है। अब कटिंग्स लिया जाए तो ऊपर ऊपर की जितनी ये टिप्स होती है उसको हम लोग वाटर में प्रोपागेट करेंगे, उसको पानी में रूटिंग करेंगे। तो ऊपर दोस्तों आप देखेंगे कि इसके हर नोड में, हर एक लीफ नोड के पास रूट डेवलप होती है, देखिए है ना, दिख रहा है ना। तो अभी चलिए इसी नोड से हम लोग इसको प्रोपागेट करेंगे एक सिंगल लीफ से। तो देखिए ऐसे हम लोगों को कट करना है, लीफ के पास से ये थोड़ी कट, यहाँ से कट होगी फिर यहाँ से कट होगी इस तरह से। तो ये हो गया एक लीफ नोड, ये देखिए इसी को कहते हैं सिंगल लीफ प्रोपगेशन। और इसमें तो रूट बनी हुई है तो इसमें नई का तो सवाल नहीं है, अगर इसमें रूट नहीं भी होता तो काफ़ी आसानी से इसमें रूट आ जाते हैं। वैसे मनी प्लांट में रूट होते ही होता है, एरियल रूट निकलता है। तो इस तरह से हम लोग
एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्राइपॉड टूट जाने के कारण बहुत ही तकलीफ़ हो रही है मुझे शूट करने में, और ये जो बीच का पार्ट बचता है ना, ये कोई काम का नहीं है क्योंकि नोड एरिया से ही रूटिंग होती है। तो इस तरह से एक एक लीफ को हम लोग कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक साथ आप ऐसे लगा सकते हैं, काफ़ी बुशी लगेगा, और सिंगल सिंगल लीफ से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं हर एक लीफ नोड को काट रही हूँ। बीच के भाग के जो है ये डंटल, वो कोई भी काम का नहीं है, और आप इसको बंच बना लीजिएगा, और चाहे तो कॉटन की जो थ्रेड होती है उससे एक साथ बंडल बनाकर उसको हल्का सा आप बांध भी सकते हैं, ताकि पानी में जाए, अगर पानी में रूटिंग करेंगे तो थोड़ा ये हिलेगा डुलेगा, और मिट्टी में तो खैर फिक्स हो जाता है। तो ये देखिए ये सारे जो डंठल है उसको हटा दिया है और एक एक लीफ को ले लिया है, और इस तरह से एक लीफ नोड से हम लोग पौधे को ग्रो करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग और थोड़ी कटिंग ये वाली ले लेते हैं नियॉन पोथोस की, और उसको हम लोग पानी में रूटिंग करेंगे। इसको चाहे तो पत्तों में भी मिट्टी में भी रूटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल ग्लास में लेकर इसको रूटिंग करना, और पानी में प्रोपगेट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पानी में जब भी हम लोग किसी कटिंग को लगाते हैं नीचे से पत्तियां हटा दीजिए, और रूट वाला है तो अच्छा बात है, रूट नहीं है तो रूट डेवलप हो जाते हैं। तो पानी को हर 10 दिन में 7 दिन में आप ज़रूर चेंज करें, वरना पानी से ये न्यूट्रिशन लेता है, और जब पानी नहीं चेंज करेंगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और इसका जो स्टेम होता है वो सड़ जाएगा और पत्ते पीले हो जाएंगे। और हर 15 दिन में इसको एक बार 1 घंटे की धूप जरूर दिखा दें, जब आप पानी में इसको प्रोपगेट करेंगे और इंडोर रखेंगे। तो वैसे मनी प्लांट इंडोर आउटडोर चल जाता है। तो अब मिट्टी में हम लोग कटिंग लगाएंगे, तो किसी टूल की मदद से इसमें होल बना लेना है, डायरेक्ट कटिंग से नहीं कट, और आप चाहे तो एलोवेरा जेल लगाकर फिर कटिंग ग्रो करें, जिससे फंगस नहीं लगने का डर है। वैसे मनी प्लांट इतना हार्डी होता है कि कैसे भी आप लगाएं तो ये ज़रूर लग जाएगा, एक बिगनर्स भी इसको लगा सकता है, और वैसे मनी प्लांट तो हर घर में पाया जाता है। तो इस तरह से आप पहले होल बना लें, और बंचेस में कर भी एक साथ आप लीव्स को लगा सकते हैं, अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। बस मिट्टी हल्की रखिएगा, आधी सैंड और आधी मिट्टी रखिए, और आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट पॉटिंग मीडिया बनाकर भी लगा सकते हैं, और इस तरह से इस बंचेस को आप पानी में प्रोपगेट करें एक लीफ से, और एक साथ आप धागे से बांध भी सकते हैं। तो इस तरह से हो गई प्रोपगेशन। देखिए ये ग्लास में कितना सुंदर लग रहा है बंच में, और एक ये देखिए पॉट में, और एक ये देखिए ये भी DIY प्लांटर में है। तो अब चलिए इसको अब हम, ये सूख गया है तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ले। वैसे मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग तो मैं नहीं जानती हूँ, काम चलाऊ कर लेती हूँ। तो ये वाइट कलर का मैं सिंपल सा इसमें डॉट दूंगी, और पीछे जो रेड कलर का है वो भी वेस्ट बॉटल से ही बनाई है। तो बस गोल 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 ऐसे डॉट देना है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। आप अपने तरीके से इसमें कोई भी कलाकारी करें, चित्रकारी करें, ये आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी है, मुझे उतनी नहीं आती है, लेकिन मैं काम चलाऊँ तो कर ही लेती हूँ। तो इस तरह से फिर भी ये देखिएगा कि सुंदर ही लगता है, एक सिंपल सा बॉटल इस तरह से लुक देता है तो अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से करना बहुत ही मन को सुकून देता है दोस्तों। तो देखिए सुंदर लग रहा है कि नहीं, आप सभी कहिएगा। और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे प्रेरित करें, मैं ज़रूर इस तरह की और वीडियो लाऊँगी। तो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। तो इसमें पानी डालकर इसमें भी मैं प्रोपगेट करूँगी, तो थोड़ा सूख जाए उसके बाद ही आप लोग इसमें पानी डालिएगा। तो मुझे तो वीडियो कंप्लीट करनी थी तो मैं उतना वेट नहीं करी, लेकिन सूख जाए तो आप इसमें पानी डालकर फिर इसमें प्रोपगेट करें, और ध्यान रहे कि पानी ज़रूर 10 दिन में चेंज कर दीजिएगा, वरना वो पीला होकर प्लांट ख़राब हो जाएगा। दोस्तों आप इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो बीच बीच में इसमें सी वीड की लिक्विड आती है, तो वो लिक्विड सी वीड आप इसमें बीच बीच में डाल सकते हैं, और NPK 20-20-20 भी इसमें आप घोल कर पानी में, इस पानी में थोड़ी सी आप डाल सकते हैं, एक चुटकी आप डाल दीजिए,
देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, इस तरह से छोटी छोटी क्रिएटिविटी करना बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग बताइए। वेस्ट बॉटल का ये यूज़ किया है, तो इस तरह से मनी प्लांट को मल्टीप्लाई करें। अब मैं बताऊंगी लीफ कैसे बड़ा करें। तो देखिए ये मॉस स्टिक लगाई हुई है मैंने, तो पॉट में ऐसे मॉस स्टिक लगाइए और उसको जुड़ा पिन से पिन कर दीजिए, तो जितना भी ये इसमें चिपका रहेगा उसके लीफ से ये सकर रूट निकलते हैं, एरियल रूट, तो उसको सकर रूट भी कहा जाता है। तो जितना सकर रूट उससे चिपक चिपक कर होगा तो उसमें मॉइस्चर मिलते रहेगा, न्यूट्रिशन मिलते रहेगा, तो उससे उसकी लीफ बड़ी होती है। तो इसमें भी देखिए ये मेरा अमरूद का प्लांट है और उसी से चिपक चिपक कर उसके जो एरियल रूट ऊपर की ओर पकड़ पकड़ कर पत्ते बढ़ रहे हैं प्लांट, तो जो जितना एरियल रूट इसका सकर रूट निकलता है उतना ही बिग साइज़ का उसका लीफ होते जाता है, ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है, नीचे से बिग लीव्स की बढ़ना शुरुआत होती है, ऊपर जितना जाता है लीफ उतना ही बिग साइज़ का होते जाता है। उसका कारण है कि उसको बहुत ही मजबूती मिल रहा है, उसको स्ट्रेंथ मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिला और हर एरियल रूट में न्यूट्रिशन जा रहा है उसका, जितना भी हर लीफ नोड में उसके एरियल रूट से उसमें मॉइस्चर मिल रही है, तो जितना उसको मॉइस्चर मिलेगा, जितना उसको न्यूट्रिशन मिलेगा सकर रूट्स को, उतना लीफ हेल्दी होगा, बड़ा होगा। तो आप लोग जब भी मनी प्लांट ग्रो करें, एक डंडा में बोरा लपेट कर या कॉटन क्लोथ लपेट कर भी, मॉस स्टिक ना हो तो इस तरह से कर कर, और उस मॉस स्टिक, देखिए ये सारे इसके सकर रूट्स हैं, देखिए है ना, और इस ये सकर रूट है, इसी के थ्रू ये न्यूट्रिशन मॉइस्चर सारा कुछ लेता है, तो इसीलिए उसको स्ट्रेंथ मिलती है, शक्ति मिलती है, तो लीफ इतना बड़ा होता है। तो आप सभी मॉस स्टिक ज़रूर लगाएं, DIY कर कर भी ज़रूर लगाएं दोस्तों। और बीच बीच में इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या सी वीट की लिक्विड फर्टिलाइज़र से स्प्रे भी करें, और गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में ऐड करें या सी वीट ग्रैन्यूल्स भी इसमें दें, तो यही सब इसका फर्टिलाइज़र है। मॉइस्चर का ख्याल रखिएगा, मिस्टिंग करिएगा, तो इस तरह से हेल्दी रूट्स होंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो, और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।